किसान भाइयों, अच्छी पैदावार के लिए ये जरूरी है कि आप जो बिचड़ा उपयोग करने जा रहे हैं वो भी स्वस्थ हो। चूंकि बीज से लेकर पौध बनने की जो प्रक्रिया होती है वो बेहद ही संवेदनशील होती है, इसीलिए जब आप धान की वैज्ञानिक खेती कर रहे होते हैं तो ऐसे में नर्सरी प्रबंधन को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। तो चलिए अब हम आपको जानकारी देते हैं कि नर्सरी से लेकर मुख्य खेत में रोपाई तक क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नर्सरी में विभिन्न प्रजातियों के धान को लगाने का समय अलग अलग होता है, जो उनकी फसल अवधि पर निर्भर करता है। मध्यम अवधि वाली बौनी किस्मों के पौधे 25 मई से 30 मई तक तथा कम अवधि वाली बौनी किस्मों के पौधे 15 जून से 30 जून तक बुआई के लिए सही होते हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में 22 जून से 10 जुलाई तक मध्यम एवं देरी से पकने वाली धान की प्रजातियों के बीज नर्सरी में डाले जाते हैं। आमतौर पर रोपाई के लिए कुल क्षेत्र के 10वें भाग में नर्सरी लगाने की जरूरत होती है। इस क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर रोपाई के लिए महीन धान के 30 किलोग्राम, मध्यम धान के 35 किलोग्राम, मोटे धान के 40 से 50 किलोग्राम और संकर धान के लिए 15 से 18 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है।